हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दोस्तों, पिछले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वायरल कर सकते हो, उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स ला सकते हो। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो ये वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। और अभी तक के दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सोशल सेलर एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल से आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। तो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे अपनी ब्रांड बना के ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इन लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं और बिना कुछ इन्वेस्ट किए अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए। फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उनमें से भी 99% लोग सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मतलब सही तरीके से नहीं करके भी उन लोग पैसा ऑनलाइन जनरेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सही तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे अपनी ब्रांड बना रहे हैं तो कैसे आप अपनी ब्रांड को सेटअप करें, कैसे आप अपना खुद का एक सेलिंग पेज बनाएं, कैसे आप पूरे अपने इंस्टाग्राम पे अपना पूरा बेसिकली बिजनेस सेटअप करें और कैसे बिना कुछ इन्वेस्ट किए अपनी ऑनलाइन अर्निंग शुरू करें। तो ये वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टाग्राम क्या है। दोस्तों, इंस्टाग्राम बाकियों के लिए तो एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो आपके लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मतलब जहां पे आप चीजों को प्रचार कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो, बाकी सबको दिखा सकते हो और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। बट 99% हमारे रीसेलर्स क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को एज अ कैटलॉग यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट उस पर डाल देते हैं और उसको उससे लोगों को अनफॉलो करते हैं, लोगों को स्पैम करने की कोशिश करते हैं, उसको एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते। देखो, अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपको कॉन्टेंट डालना पड़ेगा, ना कि प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। जैसे आपके पेज में 100 लोग आए, 100 लोग विजिट किए, उन 100 लोग में आपको सिर्फ 2 या 4 लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो उस प्रोडक्ट पे ही खाली इंटरेस्टेड होते हैं। बाकी 95% लोग आपको इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वो उस चीज से कनेक्टेड ही नहीं होते, वो उस कंटेंट से रिलेट नहीं कर पाते। यू नो, आप भी देखिए आप किन किन को फॉलो करते हैं, या तो आप अपने क्लोज दोस्तों को फॉलो करते होंगे, या तो कोई मीम पेज वगैरह को फॉलो करते होंगे, ऐसी चीजों को फॉलो करते होंगे जिस पे आप इंटरेस्ट लेते हो। तो आपको अपने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में, अपने इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट के अलावा ऐसी चीज डालना बहुत जरूरी है जिससे ज्यादातर लोग अट्रैक्ट हुए, हर एक प्रकार की क्राउड, हर एक प्रकार के ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम पे आए। तो दोस्तों, आपको अपने ऑनलाइन इंस्टाग्राम में बिजनेस के लिए अपने इंस्टाग्राम पेज को एज अ सेल्स प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना है, एज अ कैटलॉग यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम को एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करना है। ठीक है, आप कैटलॉग के भी जैसे यूज करोगे, मैं आपको टेक्निक में पूरा बताऊंगा, लेकिन प्राइमरली इस टेक्निक में आप अपने इंस्टाग्राम को एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करोगे। आप एक वायरल अकाउंट क्रिएट करोगे, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, वैसा एक अकाउंट क्रिएट करोगे और उस अकाउंट से अपने मल्टीपल कैटलॉग पेजेस रन करोगे और कैसे उससे अर्निंग करोगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस ग्राफ में सिखाता हूँ, विजुअली बताता हूँ, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे हम पहले करते थे, क्या करते थे कि अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते थे, उसमें लाइन से हर प्रकार के प्रोडक्ट डालते जाते थे, अब आपको वैसे नहीं करना है। सबसे पहले प्रोसेस में आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, जिसको हम एज अ कैटलॉग यूज करेंगे, जो हम मार्केटिंग करने के लिए यूज नहीं करेंगे। आप जस्ट सोचिए कि आप एक वेबसाइट जैसी, अपना एक कैटलॉग जैसा कुछ बना रहे हैं, जिसमें आप सब पूरी वैरायटी लिस्ट डाउन करके रख रहे हैं। जैसे कि अगर आप वॉच का पेज बना रहे हैं तो वॉच लाइन से लिस्ट डाउन करके रख रहे हैं, शूज का पेज बना रहे हैं तो शूज लाइन से लिस्ट डाउन करके रख रहे हैं। आप एक पेज में हर एक चीज नहीं डाल रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए अपना खुद का एक सेपरेट इंस्टाग्राम पे पेज बना रहे हैं। और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हर एक प्रोडक्ट पे डील करो, ज्यादा से ज्यादा आप 4 या 5 प्रोडक्ट पे ही डील करो ताकि आप उन प्रोडक्ट्स पे एक्सपर्टीज कर पाओ। ये चीज मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता चुकी है, अभी भी यही बोलूंगा। तो 4-5 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए सेपरेट अकाउंट बनाओ, हर एक अकाउंट पे अपनी इन्वेंट्री रखो, हर चीज पोस्ट करो। आप पोस्टिंग में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं भी दो तो चलेगा, सिंपली उनमें इमेजेस पोस्ट करो, जो भी आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट है और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पोस्ट करो। इसके बाद आप एक बार जब अपने सारे कैटलॉग अकाउंट्स बना लिए, छोटे छोटे, वॉच का एक अलग अकाउंट, शूज का एक अलग अकाउंट, अब आपको ये करना है कि एक बार अकाउंट बनाने के बाद आपको एक मेन वायरल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। वायरल इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं, इस चीज़ के बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में, इस वीडियो में जो बैनर पे है उस वीडियो में कंप्लीट बता रखा है। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ आई बटन में जाके ये वाली वीडियो पहले देख लो। ठीक है, एक बार आप धीरे से अपना वायरल अकाउंट सेटअप करो, एक बार आप ऐसा अकाउंट सेटअप करो जिसमें बहुत सारी क्राउड आ रही है, तो आपको सिर्फ एक वायरल अकाउंट मैनेज करना है।
और फिर अपने जितने भी जो पेजेस हैं वहां पे ट्रैफिक सेंड करना है उस वायरल अकाउंट से। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके वायरल अकाउंट पे एक आध महीने के बाद करीब करीब 5,000 से 10,000 फॉलोअर्स इजीली आ जाएंगे, अगर आप उस टेक्निक को अच्छे से फॉलो किए तो। लोग आने के बाद यू नो उन 5-10 हज़ार में से काफ़ी सारे लोग हैं जो वॉचेस में इंटरेस्टेड है वो वहाँ से रीडायरेक्ट होगा, जो शूज़ में इंटरेस्टेड है वो शूज़ वाले पेज में रीडायरेक्ट होगा। आपको करना बस ये है कि जब भी आप कंटेंट पोस्ट करो अपने वायरल अकाउंट में यू नो, तो थोड़े थोड़े 10-15 कंटेंट के बाद अपनी खुद के एक पेज का एक एडवर्टीजमेंट डालना है, ठीक है, अपने खुद के पेज में रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ से क्राउड आएगी आपके वायरल अकाउंट पे, यहाँ से वायरल अकाउंट से आपके पोस्ट से वो जाएगी आपके सब्सिडरी अकाउंट पे, जो कि हो गया एक कैटलॉग अकाउंट बोल लो या सब्सिडरी अकाउंट बोल लो या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट अकाउंट बोल लो, वहाँ पे जाएगी, वहाँ से प्रोडक्ट को देखेगी, इन्फॉर्मेशन देखेगी और आपके व्हाट्सएप पे आएगी, आपसे कनेक्ट करेगी, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करेगी जो भी उनको बाय करना है और व्हाट्सएप पे होगी आपकी सेल्स। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने बिजनेस को स्केलेबल बना सकते हो, आप बहुत बड़े लेवल पे बना सकते हो। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि आप कल के दिन बहुत सारे वायरल अकाउंट्स बना सकते हो। अब ये कैसे करना है ये भी बहुत इजी है, इसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आपको करीब 2,000 रुपये का एक सॉफ्टवेयर आता है जारवी, JARVEE, नोट डाउन कर लो, सर्च कर लो इसके बारे में। ये इंस्टाग्राम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, बहुत स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है बोलना चाहिए, ग्रैमटो से बहुत अच्छा है जारवी, तो जारवी लेकिन महंगा भी है तो काफ़ी लोग प्रिफर नहीं करते यूज़ करना। जारवी को अगर आप लोगे तो एक महीने में आप 10 इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल कर सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर में एक फीचर है जिससे आप ऑटो रीपोस्ट कर सकते हो, मतलब जो भी मीम पेजेस हैं या जो भी आप जिस भी पेज का यू नो अपने में वायरल कंटेंट रख रहे हो उस पेजेस से ऑटोमेटिकली आपके पेज में रीपोस्ट हो जाएगा और आपके मल्टीपल वायरल अकाउंट पे रीपोस्ट हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करो कि आपके बहुत सारे वायरल अकाउंट्स हैं जो कि बेसिकली वायरल कंटेंट रख रहे हैं, उन पे ऑटोमेटिकली कहीं से यू नो जो भी मीम पेजेस है वहां से उठ के वायरल अकाउंट रीपोस्ट हो रहा है आपके पेजेस में, कंटिन्यूसली स्टोरीज पोस्ट हो रही है, कंटिन्यूसली फीड्स पोस्ट हो रहा है, कंटिन्यूसली वीडियोज पोस्ट हो रही है और वहां से जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो आ रही है डायरेक्टली आपके शॉप वाले पेजेस में, ठीक है, लोग आपके शॉप वाले पेजेस में देख रहे हैं, आपके कैटलॉग्स में प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं और वहां से लोग आएंगे डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे। अब आप एक और बेनिफिट इसका ये है कि आप व्हाट्सएप अकाउंट, दो व्हाट्सएप अकाउंट रख सकते हो। अगर आप खुद मैनेज नहीं कर पाओ, धीरे से आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, बिल्टअप हो रहा है, तो हो सकता है आप अकेला बंदा व्हाट्सएप को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो 2-3 पेजेस के जितने कस्टमर है वो चले जाएंगे एक अकाउंट पे, एक व्हाट्सएप अकाउंट में, और बाकी जितने भी यू नो आपके पेजेस हैं उनका जो रीडायरेक्ट है वो दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जितने भी कस्टमर्स हैं। तो इससे आप अपने बिजनेस को काफी बड़े हद तक के बड़े लेवल पे स्केल अप कर सकते हो। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, काफी सारे लोग कर रहे हैं ये टेक्निक को, बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मेन विथ क्लास, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ये मेंस फैशन के ऊपर ब्रांड है। आप इनके देखिए, ये इनके मल्टीपल पेजेस हैं, इनका एक पेज है जो कि बेसिकली इनका यू नो प्रिंसिपल पेज है, वायरल अकाउंट है, उसके अंदर इनके मल्टीपल पेजेस है, मैन विथ क्लास, मैन विथ यू नो सूट्स एंड ऑल, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग पेजेस हैं और ये अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं इसमें बेसिकली यू नो इनकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट भी है प्लस अफिलिएट मार्केटिंग और शायद प्रमोशन भी करते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आप देख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। सेकंड, वायरल कंटेंट से आप बहुत जल्दी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। इसका इस स्टार्टअप का एक एग्जांपल है बेवकूफ.com। आप बेवकूफ के ऊपर मैं अलग से केस स्टडी पूरी अच्छे से बनाऊंगा कि कैसे बेवकूफ.com ग्रो हुआ, बट यू नो उन्होंने अपना बिजनेस मीम पेज से स्टार्ट किया था। उन्होंने ऐसे कंटेंट बनाए फेसबुक में जो कि एक महीने में जिसमें 10,000 लोग फॉलोअर्स आ गए थे इजीली। उन्होंने ऐसे मीम पेजेस बनाए, अपने खुद के ऐसे मीम्स बनाए, इतना ज़्यादा अपने कंटेंट को वायरल कर दिया कि हर टाइप के लोग उनके प्लेटफॉर्म पे आने लगे और बेसिकली जो यूथ है वो उनका टारगेटेड ऑडियंस है, तो उन यूथ को वो बेसिकली टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स या इस टाइप के जो ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट से बेचना शुरू कर दिए। तो उनका भी मॉडल जो है वो बेसिकली एक वायरल अकाउंट से शुरू हुआ। तो अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है, स्केलेबल बनाना है और प्रोडक्ट सेल करना है इंस्टाग्राम पे, तो आपको ये चीजों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको एक वायरल अकाउंट बनाना है जिसमें आप कंटेंट पोस्ट करो ताकि बहुत सारी ट्रैफिक आए, आपकी मार्केटिंग हुए, वहां से आपको लोगों को रिडायरेक्ट करना है अपने जितने भी कैटेगरी वाले पेजेस हो गए, कैटलॉग वाले पेजेस हो गए या फिर प्रोडक्ट फीडबैक वाले भी लोग पेजेस बनाते हैं जिसमें एक पेज में कंप्लीटली अपने बिजनेस का फीडबैक ही पोस्ट करते हैं ताकि कोई भी बोले कि यार हमको आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो वो कंप्लीटली उस इंस्टाग्राम अकाउंट को ही अपने कस्टमर को देते हैं कि देखो ये हमारा फीडबैक वाला पेज है, इसमें हमको जितने भी फीडबैक्स हैं वो लिस्टेड है, उनको देख के आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो।
और जितने भी लोग हैं वो आपके WhatsApp पे रीडायरेक्ट होंगे। तो आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे, आपको पता चला होगा कि Instagram पे सेलिंग कैसे करते हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्सअप ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, मैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, बेल आइकन दिख रहा है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्दी हम 5000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं। इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच गाइज, अभी डाउनलोड कीजिए सोशल सेलर ऐप। और दोस्तों अगर आप अभी अभी नए हैं, आपको ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस सीखना है, ऑनलाइन सोशल सेलिंग बिजनेस शुरू से सीखना है, बेसिक से सीखना है और होलसेलर्स के डिटेल्स चाहिए, प्रोडक्ट लेना है, होलसेलर्स से कनेक्ट करना है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारा कोर्स है रीसेलिंग बिजनेस मास्टरी कोर्स, आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं और बेसिक से रीसेलिंग बिजनेस सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें मैं हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो उसकी वेबसाइट में दिया हुआ हूं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कोर्स देख सकते हैं, कोर्स को बाय कर सकते हैं और वीडियोज़ देख के अपने खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हो बिना कुछ इन्वेस्ट किए। रीसेलिंग बिजनेस मास्टरी कोर्स में एनरोल करना काफ़ी आसान है, लिंक क्लिक करके आप सीधा हमारे कोर्स की वेबसाइट पे पहुंच सकते हो। वेबसाइट में स्क्रॉल करके आप कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, इनफैक्ट यहाँ पे आप रिव्यूज़ और रेटिंग्स देख सकते हो जो सारे रीसेलर्स ने हमें दिए। उसके बाद आप वन बाय वन कोर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो, फिर आप यहाँ से एनरोल नाउ की बटन पे क्लिक करके कोर्स को बाय कर सकते हो। जैसे ही आप एनरोल नाउ की बटन में क्लिक करोगे आपके सामने चार फील्ड्स आ जाएगी, आपको अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड देन आपको अपना पासवर्ड डाल के जस्ट लॉगिन करना है, फिर आप पेमेंट गेटवे की तरफ रीडायरेक्ट हो जाओगे। पेमेंट गेटवे में आपको 299 रुपीस का पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आप वीडियो लेसन्स को अनलॉक कर लोगे। उसके बाद आप सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए और लॉगिन बटन से अपना आईडी और पासवर्ड डालिए और सीधा आप वीडियो कोर्स पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे।